हेलो दोस्तों, कुकिंग निजा में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के टिफिन के लिए एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, जिसे बच्चे एक बार खाएंगे तो बार बार जरूर बनवाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। हम रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इसमें एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, जिसे हम नॉर्मल रोटियां बनाते हैं उसी आटे का मैंने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ पर हमने ऐड किया है एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, और हल्दी से क्या इसमें थोड़ा सा कलर आएगा और हमारी जो रेसिपी है वो देखने में भी थोड़ी अच्छी लगेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बैटर बनाएंगे। हमारे एक घोल रेडी कर लेंगे, और जिस तरीके से हम चीले बनाते हैं उसी तरीके का हमें बैटर रेडी करना है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका घोल अच्छी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसमें ऐड कर लिया है, और इसको इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए, एकदम परफेक्ट तरीके से इसका घोल हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरीके से पानी डालकर इसका एकदम परफेक्ट तरीके से, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और परफेक्ट तरीके से ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। यहाँ पर गैस पे मैंने कढ़ाई पहले से ही रख ली है, तो यहाँ मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और इसके बाद यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया तो इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच हमने राई ऐड की है, और इसको हम थोड़ी देर तड़कने देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्ची कटी हुई और 1 प्याज कटा हुआ इसमें ऐड किया है। अब इसे हम 2-3 मिनट तक इसे चलाते जाएंगे इस मसाले को, ताकि ये थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे चलाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी जो प्याज है वो एकदम हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसमें मैंने 2 कटे हुए टमाटर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हमने यहाँ लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 चम्मच हमने यहाँ धनिया पाउडर, और 1 बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला हमने यहाँ ऐड किया है, और 1 चम्मच हमने ऐड किया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ मसालों को क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मैश किए हुए आलू। इससे मैंने पहले हाथों से मैश कर लिया था, इससे क्या है हमारी जो टेम्पी जो अंदर की स्टफिंग है वो अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो अब हम इन सारे मसालों को इसमें मिला लेते हैं, और देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये रेडी हो चुका है हमारा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, इससे क्या है टेस्ट भी अच्छा आएगा, देखने में भी अच्छा लगता है। तो अब हम इसे मिक्स कर देते हैं, और देखिए मसाला हमारा रनकर रेडी है। तो इसे हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अब चेक करते हैं हमारा जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है या नहीं। तो देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुका है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका हम चीले बनाएंगे। तो हमने गैस पर तवा रख लिया है, अभी हमने यहाँ पर गैस को ऑन नहीं किया है। इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और ऑयल लगाने के बाद इसमें हम चीले को इस तरीके से फैला लेंगे। जब हमारा तवा ठंडा होता है तो हमारा जो चीला है वो अच्छी तरीके से फैल जाता है। तो याद रखिए, जब भी आप बनाएं या तो गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें, या थोड़ा ठंडा हो तवे पर ही पहले आप चीला फैला लें और उसके बाद गैस को ऑन कर लें। इसके ऊपर देखिए थोड़े से मैंने कलौंजी के बीज, थोड़ी सी तिल्ली के, और हरा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। कलौंजी के बीजों को आप स्किप भी कर सकते हैं, इन चीज़ों को सिर्फ आप हरे धनिए का भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब इसमें हम थोड़े सा साइड से ऑयल लगाएंगे, और ज़्यादा देर तक हमें नहीं सेकना है, एकदम चीले को परफेक्ट तरीके से हमें नहीं सेकना है। थोड़ा थोड़ा हमें कच्चा सा ही रखना है, मैंने नॉर्मल रखना है, जिससे हम क्या है इसमें जो स्टफिंग भरेंगे वो एकदम टूटेंगे नहीं। तो देखिए, हमने 2 मिनट तक दोनों साइडों से इस तरीके से सेक लिया है और 1 प्लेट में रख लिया है। इसी तरीके से हमने सारे चीलों को सेक लिया था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो इसमें हमने एक चीला लिया है, और इसमें हमने आलू की जो स्टफिंग है उसको इस तरीके से भरकर और दोनों साइड से इसको फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से हम लिफाफे बनाते हैं उसी प्रोसेस से हमें करना है। तो इस तरीके से देखिए, दोनों साइड से मैंने दबाया, और ये नॉर्मली आसानी तरीके से ये बन जाएगा, और बस हाथों से इसको प्रेस कर दीजिए और ये दब जाएगा। तो इसी प्रोसेस से देखिए हमारा ये बनकर रेडी हो गया, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रोसेस से हम सभी को बना लेंगे, और आप जब अपने बच्चों के टिफ़िन में भी रखोगे ना तो काफ़ी मज़ेदार लगने वाले हैं, और आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएंगे ये। तो देखिए हमारे ये सब बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा रख लिया है, वही उसी तवे पर हम फिर से इसको सेकेंगे। तो इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल का यूज़ हमें नहीं करना है, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, और इस तरीके से हम सभी को लिफाफों को इस तरीके से हम रख देंगे। अगर ये थोड़े से टूटते भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये
आसानी से सिक जाएंगे और ये खाने में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो देखिए, एक साइड से हमने इस तरीके से सेक लिया और इसी तरीके से हम ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाते हुए और बस इसको फिर से पलट देंगे और अलटते पलटते हम इसको सेक लेंगे। और देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं खुले हैं, इस तरीके से हम इसे पलट देंगे और सेक लेंगे। साइड से सेक चुका है तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए परफेक्ट तरीके से ये बनकर रेडी हो गया है। और चलिए अब हम इसे बताते हैं आपको, यानी हम दोनों साइड से बताते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आपके बच्चों को टिफ़िन में भी रख सकते हैं और उन्हें काफ़ी पसंद आएगा और वो इन्हें बार बार बनवा कर ज़रूर खाएंगे। और इन्हें देखिए दोनों साइड से अच्छी तरीके से सीख चुका है और एकदम खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा और आप अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।